अगरतला में पश्चिम बंगाल के तृणमूल कांग्रेस नेता शाहिनी घोष की गिरफ्तारी से टीएमसी इतने गुस्से में है कि पार्टी सांसदों का एक दल कोलकाता से रातों रात दिल्ली पहुंच गया। आज तृणमूल के सब सांसदों को दिल्ली आने को बोला गया है। हम अभी जाकर हमारे पार्टी ऑफिस में मिलेंगे और लगता है कि त्रिपुरा में जो जाति हुआ है, बीजेपी के लोग जो अत्याचार किया है, त्रिपुरा पुलिस जो अरेस्ट किया है हमारा यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट को, उसके खिलाफ कोई प्रोग्राम होगा। टीएमसी सांसद थोड़ी देर में दिल्ली में धरने पर बैठेंगे। सूत्रों के मुताबिक त्रिपुरा हिंसा के मुद्दे पर टीएमसी नेता सर्वोच्च न्यायालय में भी अर्जी डाल सकते हैं। टीएमसी सांसदों के दल ने इस मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह से मिलने का वक्त भी मांगा है। दरअसल तृणमूल कांग्रेस के यूथ प्रेसिडेंट शाहिनी घोष को त्रिपुरा पुलिस ने हत्या की कोशिश के आरोप में गिरफ्तार किया है। शाहिनी घोष को आज अदालत में पेश किया जाएगा। इसके खिलाफ जो हम लोग इंट्रोगेशन के लिए हम लोग बुलाया है, तो काफ़ी जो बाकी लोगों को जो विटनेसेस का स्टेटमेंट लेने के बाद ये पता चला कि इसके खिलाफ जो केस हुआ है 153 ये और 307 120B में, ये थोड़ा एविडेंस इसको मिला हुआ है, तो इसीलिए हम लोग इसको अरेस्ट। इससे पहले त्रिपुरा के अगरतला पूर्व थाने में जमकर बवाल हुआ। आरोप है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने थाने में पुलिस के सामने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमला किया। तस्वीरें देखिए किस कदर ये इलाका रणभूमि में तब्दील नजर आ रहा है। बवाल की शुरुआत 20 नवंबर को हुई। आरोप है कि बिप्लव देव की सभा स्थल के पास से गुजरते हुए शाहिनी घोष ने खेला होवे का नारा लगाया था, लेकिन त्रिपुरा पुलिस के मुताबिक शाहिनी घोष ने गाली गलौज की और पथराव किया। त्रिपुरा पुलिस ने शाहिनी को धारा 307 यानी हत्या की कोशिश के आरोप में गिरफ्तार कर मामला दर्ज कर लिया। त्रिपुरा में बीजेपी और टीएमसी के बीच रस्साकशी तेज है। शाहिनी घोष की गिरफ्तारी के बाद टीएमसी के नेता अभिषेक बनर्जी कल त्रिपुरा जा रहे थे, लेकिन उनकी चार्टर्ड फ्लाइट को अगरतला में उतरने की अनुमति नहीं मिली। हालांकि सूत्रों का कहना है कि तकनीकी आधार पर उनकी फ्लाइट को उतरने की इजाजत नहीं मिल पाई। इस पूरे बवाल में गौर करने वाली बात यह है कि 2023 में त्रिपुरा विधानसभा चुनाव होना है और 25 नवंबर को निकाय चुनाव होने हैं। कोलकाता से अनुपम मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।